Assalamualaikum everyone, kya hal hai aap sabka? I hope aap sab bilkul theek honge, khairiyat se honge. Main bhi bilkul theek hoon, alhamdulillah. Welcome back to my channel. Aaj main aapke saath review layi hoon Merium Pervaiz ki liquid glass foundation ka, jo ke kafi achhi hai. Jab ye launch hui thi, main us waqt foran to obviously ye nahi buy kar saki thi. Maine last year buy ki thi, mujhe bahut achhi lagi kyunki mujhe zyada sabse zyada iski ye cheez sunke achhi lag rahi thi ki ye glass skin ke liye bahut achhi hai ye foundation. To obviously ye totally matte nahi hogi. मेरे यही माइंड में था कि मैं ट्राई करके ज़रूर देखूं, तो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूं. मैंने इसको यूज़ किया है, काफ़ी दफ़ा अप्लाई करके देखा है, आई एम हैप्पी विद इट. जो लोग इस फिनिश की फाउंडेशन लेना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी है. अच्छा, मैंने इनके पेज से ही बाय की थी, मरियम परवेज़ कॉस्मेटिक्स के नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम पे. अगर आप वहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं आप उधर से कर लें, अदरवाइज़ इनकी वेबसाइट भी है meriumpervaiz.com के नाम से, आप वहाँ से भी इनकी ये बाय कर सकते हैं. फाउंडेशन जो है बड़ी अच्छी ग्लास पैकेजिंग में है. हाँ जी, तो पैकेजिंग इसकी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी, ऐसे गोल्ड में देखें सारा लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर. मेरे पास जो शेड है वो है M5, उस टाइम पे यही शेड अवेलेबल था इनका, बाकी के शेड्स नहीं थे अवेलेबल. और ये शेड वैसे डार्केस्ट शेड है, ठीक है. तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये सबसे डार्क शेड है इनका, बाकी M1, M2, M3, M4, M5 इस तरह ही शेड्स, ठीक है. मेड इन इटली है वैसे ये. अच्छा, जो फाउंडेशन क्लेम करती है ना ये, वही ये लाइट वेट है, बिल्डेबल फाउंडेशन है, ठीक है. आप मतलब इसको थोड़ा सा अप्लाई करें, उसके बाद आप इसको ऐड ऑन करके और इसको बिल्ड भी कर सकते हैं अपनी जितनी मर्जी, जितनी भी थिक आपको चाहिए कवरेज. बटरी टेक्सचर है इसका और ये ऑक्सीडाइज नहीं करती, ठीक है. आपकी स्किन के साथ बड़े अच्छे से एडजस्ट कर लेती है, ऑल स्किन टाइप्स है ये. और सेकेंडली इसमें जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि SPF भी है, ठीक है. SPF 30 इन्होंने ऐड की हुई है इसमें, जो कि अच्छी बात होती है. अगर आप सेपरेटली सनस्क्रीन नहीं लगाते तो अच्छी बात है, आपके पास इंक्लूडेड हो तो अच्छा होता है. अच्छा, बड़ी अच्छी पैकेजिंग है, आप देख लें. अगेन पंप के साथ है ये, मैं इसमें थोड़ी सी ऐड करके तो आपको दिखाती हूँ कि इसकी कैसी फिनिश आएगी, ठीक है. मैंने ये हाफ अ पंप लिया है. कलर इसका है, देख लें, ये थोड़ा सा डार्क है. मेरी स्किन पे भी थोड़ा सा अप्लाई करने के बाद ये डार्क ही है, लेकिन एक ये सही हो जाता है आप कंसीलर वगैरह साथ ऐड करें. अब आप देखें कि ये थिक है, ऐसे स्लाइड करके नीचे नहीं आ रही, तो इसलिए रनी नहीं है बिल्कुल भी. इस फॉर्मूला इस तरह से है, लेकिन आप जब इसको स्प्रेड करें तो आपको पता चलता है कि बहुत ही मज़े का इसका फॉर्मूला है वाकई में. बहुत अच्छी लाइट वेट है इसकी फिनिश. मैं इसको अभी पूरा ब्लेंड करती हूँ ब्रश के साथ ही मैं करूंगी. देखिए थोड़ी येलो टोन में है ये, ठीक है. ये वाला शेड आपने लाइटेस्ट लेना है तो आप M1 ट्राई कर लें. बाकी इनके ऑब्वियसली वेबसाइट पे भी फोटोज़ हैं, स्वाचेस दिए हैं मैं वहाँ पर भी. तो ये फाउंडेशन मेरे हिसाब से विंटर्स में बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैट नहीं है, थोड़ी ड्यूई फिनिश ही रहती है इसकी. उस अकॉर्डिंगली ज़ाहिर है ये मुझे ये समर्स की बजाय विंटर्स में ज़्यादा पसंद है ये वाली फाउंडेशन, ठीक है. और इसमें आपने करना यही है, जब भी इस तरह की फाउंडेशन आप अप्लाई करें आपने इसमें हाइड्रेटिंग या इल्यूमिनेटिंग प्राइमर आपने नीचे यूज़ करना है, ठीक है. उसके ऊपर फिर आप इसको पाउडर से भी बहुत ज़्यादा सेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब आप इसको बहुत ज़्यादा सेट कर देते हैं ना, तो फिर इसकी जो असल मकसद है ना, जो ग्लास स्किन फिनिश है या ग्लास स्किन वाली लुक है, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है. तो देखें बड़ी लाइट वेट है ये फाउंडेशन, मैंने सेट कर लिया स्किन पे, कितनी अच्छी लग रही है, हल्की सी ये शाइन भी दे रही है. इसको आप बहुत ज़्यादा सेट ना करें पाउडर से तो ही इसकी ऐसी फिनिश रहती है, ठीक है. आप थोड़ा सा चाहें तो आप इसको टैप करके और सेटल कर सकते हैं, एक्सेस प्रोडक्ट आपका उतर जाएगा. अच्छा सा आप ऐसे स्किन में ब्लेंडर के साथ आप कर लें, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लेके, तो आप ये देखें कि इसकी इतनी लाइट वेट सी फिनिश है ना, मुझे आप देख सकते हैं मेरी स्किन ऐसे फ्लॉलेस लग रही है, बिल्कुल हल्की सी इसके अंदर ग्लो भी आ रही है, बिल्कुल मैट नहीं है ये फाउंडेशन, ठीक है. और ये है कि जैसे सेट भी हो गई है, स्टिकी नहीं फील हो रही हाथ पे, तो ये बहुत अच्छी है इस लिहाज से कि आप ये समर्स में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली इस पर लूज सेटिंग पाउडर से अच्छा सा सेट करना पड़ेगा. मैंने इसको ये देखा है कि ये स्किन पे इतनी लाइट वेट लगती है फेस पे लगाई हुई, कि आप इसको थोड़ा सा लगा के ऊपर ज़रा अच्छा सा ब्लश लगाएं, जब आप थोड़ी ग्लॉसी लिपस्टिक लगाते हैं फिर आप अपना सेटिंग स्प्रे भी लगाएं, ड्यूई फिनिश का यूज़ करें, ड्यूई फिनिश ही या इल्यूमिनेटिंग आप नीचे प्राइमर भी यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छा इसका क्लेम है कि ये फाउंडेशन जो है ग्लास स्किन लुक देती है आपको. बहुत मुझे पसंद है ये फाउंडेशन भी, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है. सिर्फ ये कि थोड़ी प्राइसी है, ये 4000 की है, मतलब ज़ाहिर पाकिस्तानी आपके जो लोकल ब्रांड्स हैं उसके निस्बत अगर आप कंपेयर करें तो इसकी प्राइस थोड़ी सी मुझे ज़्यादा लग रही थी, ठीक है. ये हर एक के लिए शायद ना भी अफोर्डेबल हो, तो
ये है कि जो लोग लेना चाहें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रोडक्ट की। अंदर एक्चुअली जो फाउंडेशन इट्सेल्फ है वो भी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। इनके बाकी प्रोडक्ट्स भी बहुत मुझे पसंद है, मेरे पास एक दो पैलेट्स हैं इनकी, वो भी बहुत अच्छी हैं, तो मुझे अच्छे लगे थे इनके प्रोडक्ट्स। बाकी तो मैं चीज़ें अभी तक ट्राई नहीं कर सकी, जैसे इनके भी कॉन्टूर स्टिक्स आई हैं, मेरा वो बहुत दिल था ट्राई करने का, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल वो नहीं मंगवा सकी। तो ये कि जब भी मैं इंशाल्लाह मंगवाया, मैं ज़रूर आपके साथ रिव्यूज़ का शेयर करूँगी। लेकिन ये कि आप लोग इस फाउंडेशन को ट्राई करना चाहें तो जरूर करें ट्राई, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये, स्पेशली विंटर्स के लिए। विंटर्स में लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जी ड्राई स्किन होती है बहुत, और आपकी कोई भी फाउंडेशन जो आप मैट या फुल कवरेज इस्तेमाल करें वो आपकी केकी लुक देना शुरू कर देती है। तो अगर आप इस चीज के बारे में वरिड हैं तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन जो है अपनी विंटर्स में आप ये लेके यूज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, लाइट वेट है बिल्कुल स्किन पे ना। मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी थी इसकी कि बिल्कुल भी केकी फील नहीं होती आपको, और बहुत फुल कवरेज इस तरह नहीं है कि आपकी वो केकी लुक देने वाली हो। ठीक है, आप इसको बिल्डेबल है, ये बिल्ड कर सकते हैं, आप एक और पंप इस पे ऐड करके ब्लेंड कर लें तो कवरेज इससे भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। बस ये है कि ऑब्वियसली आपने जब भी अपने फाउंडेशन को बिल्डेबल करना हो तो आप सबसे ज़्यादा ये ध्यान ज़रूर रखें कि आपके नीचे जो ब्लेमिशेस वगैरह हैं, कोई पिगमेंटेशन है, कोई आपके डार्क सर्कल्स हैं, कहीं पर भी आपकी ग्रेनेस है, रेडनेस है, आप उसको ज़रूर पहले कलर करेक्ट करें। कलर करेक्ट करने से सबसे जो अच्छी चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आपका प्रोडक्ट ऊपर फाउंडेशन आपको कम लगानी पड़ती है। लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ की शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप जब भी कलर करेक्टर यूज़ करेंगे तो आप एक्चुअली ऊपर जो फाउंडेशन है आप उसका प्रोडक्ट कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने नीचे की प्रॉब्लम को तो कर लिया कवर, और सेकेंडली वो नीचे से फिर ग्रेवी नहीं लगेगी, तो इस वजह से आपकी ओवरऑल जो लुक है ना वो इवन आएगी। जो फ्लॉलेस फिनिश होती है ना फाउंडेशन की, वो तब आती है मेकअप की। तो आप जरूर ट्राई करें, मेरी तरफ से ये भी रिकमेंडेड है, सिर्फ प्राइसी है, ये चीज जरूर देख लीजिएगा। जिन लोगों के लिए अफोर्डेबल हो वो जरूर ट्राई करें। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।